फैक्ट नंबर वन, तो भाई लोग थार गाड़ी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, और भाई जानते क्या आप में से बहुत से लोगों की पहली पसंद ही थार होगी। तो भाई लोग इसी थार से रिलेटेड एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स है वो थार के पीछे रोटोवेटर बांध कर पूरे खेत को जोत रहा है, मतलब सच में कमाल कर दिया इस बंदे ने। वैसे आप में से किन लोगों की पहली पसंद थार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर टू, तो भाई लोग बहुत सी ऐसी कंपनी है, खासकर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनियां, इन कंपनियों का ध्यान अब चीन से हटकर इंडिया की तरफ हो गया है, जिसका एक बड़ा उदाहरण है फॉक्सकॉन, जो एप्पल फोन मैन्युफैक्चरर और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट सप्लायर है। वैसे आपको बता दें कि फॉक्सकॉन कंपनी का चाइना के जेंगजोउ में एक बड़ा प्लांट है जिसमें करीब 200,000 लोग काम करते हैं, लेकिन अब यह फॉक्सकॉन कंपनी बेंगलुरु में 300 एकड़ की जमीन पर $700 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर नया प्लांट स्थापित करने जा रही है, जिससे यहाँ के करीब 1,00,000 लोगों को नौकरी मिल सकती है। वैसे यह जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर थ्री, तो भाई लोग आज तक आप लोगों ने सनी लियोनी और मिया खलीफा जैसी एक्ट्रेस को फिल्मों में ही देखा होगा, लेकिन फ्रेंड्स मुजफ्फरपुर में दिल्ली चाप वाले ने दोनों एक्ट्रेस के साथ जो किया है उसे सुनकर आप चौंक जाओगे। दरअसल रविशंकर कुमार ने मुजफ्फरपुर में दिल्ली चाप वाला नाम से सोया चाप की एक दुकान खोली है, और इस दुकान पर 15 तरह का सोया चाप मिलता है, जिसमें से लोगों को सनी लियोनी और मियां खलीफा सोया काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, और इन दोनों नामों के कारण लोग इस दुकान की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, यानी कि बिजनेस करने का एक अलग ही तरीका निकाला है इस भाई ने। फैक्ट नंबर फोर, तो भाई लोग आज के समय में लोगों के लिए फ़ोन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि वो अपने आप से फ़ोन को 2 मिनट के लिए भी अलग नहीं रख सकते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो फ़ोन को चार्जिंग पर लगा कर ही अपना काम करना शुरू कर देते हैं, जो कि एकदम गलत है, इससे आप लोगों की जान भी जा सकती है। हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक 68 साल के बुजुर्ग दयाराम बरोड़ फोन को चार्जिंग पर लगाकर अपने दोस्त से बात कर रहे थे, तभी अचानक से फ़ोन ब्लास्ट हो गया, जिससे दयाराम की मौत हो गई। तो फ्रेंड्स फोन इस्तेमाल करो लेकिन बहुत ही सावधानी पूर्वक। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लीजिए ही वंदे मातरम।